मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और अभी मैं एक्चुअली अंदर जाकर भी आ गई हूँ और मैंने सारा एक चक्कर भी मार लिया है. एंड यू नो देयर इज दिस अमेजिंग AR VR थिंग हैपनिंग, यू नो ऑडियो विजुअल थिंग हैपनिंग, एंड ऑल्सो आई गॉट अ पिक्चर क्लिक. सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द शो. एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू थैंक सोनी BBC फॉर यू नो इन्वाइटिंग मी. एंड आई थिंक इट्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वी आर कोलैबोरेटिंग, सो थैंक यू सो मच. I really like it, yaar. And you know, wildlife is the future, was the past, and is the present. And I am really excited. And anyway, I love penguins. I love fishes. I love something related to nature. So I'm very excited. Kis penguins ke saath kaam karna chahungi and dolphins and fishes ke saath kaam karna chahungi. Jal pari ki tarah. bilkul sahi hai. I'm a part of this web show which has been produced by Jio Studios. And it's called Rafu Chakkar, and there's me and Manish is there, Manish Paul is there. Also, I've just finished one Vishal Pandya's feature, so we are dubbing for it. So yeah, next year the slate looks pretty nice and clean. Mujhe lag raha hai bahut adventurous hogi, and I think you know, bahut hi visually you know appealing hogi. I feel yeah. प्लीज थोड़ा धरती का ध्यान रखिए, हमारा प्लैनेट अर्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. एंड यू नो पैंडेमिक में आई थिंक एवरीबडी यू नो आई हैव रियलाइज दैट यू नो दी स्मॉल थिंग्स, प्लांटिंग ट्रीज एंड यू नो टेकिंग केयर ऑफ आर प्लैनेट एंड आर वाइल्ड लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ आर प्लैनेट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत एक्साइटमेंट है ऐसी चीज़ें, मैं हमेशा बचपन से ऐसी चीज़ें फॉलो करते आया हूँ. और इसकी नॉलेज एंड इसका क्या डिफरेंस होता है हमारे ओवरऑल अर्थ में, बिकॉज हमारी लाइफ में तो कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है, बट अगर हम ओवरऑल देखेंगे एज एन अर्थ, एज एन प्लानट, एज अ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बींग, तो काफ़ी काफ़ी नॉलेज बढ़ेगी आपकी. एंड आप थोड़े ज़्यादा अवेयर हो जाओगे, थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव हो जाओगे इन चीज़ों के लिए. आई गेस अगर अभी यहाँ पे आए हम इसकी बात करें तो पेंगुइन्स के साथ मैं मिलना चाहूँगा. मैंने पेंगुइन्स को कभी सामने से ऐसे विटनेस नहीं किया, तो पेंगुइन्स यस एंड दे आर वेरी क्यूट ऑल्सो. एक वेब पे है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, वो आने वाला है एंड उसी की वेट चल रही है, तो लेट 2022 और अर्ली 2023 में आएगा. एंड जस्ट फिंगर्स क्रॉस फॉर दैट. अभी शायद हो सकता है दिवाली पे कुछ अनाउंसमेंट हो जाए, तो वेटिंग फॉर दैट. फैंस को एक कहना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ऑल द लव, एंड सेकेंडली अगर आप ऐसी चीज़ें नहीं देखते हैं या फॉलो नहीं करते हैं तो प्लीज़ एक बार देखिए, आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, नॉलेज भी बढ़ेगी, एंड यू विल बी अ मोर अवेयर ह्यूमन बींग. यार बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि मैं छोटे होते देखता था, तो मतलब अभी मेरे को ये है कि प्लस आई एम ए नेचर लवर, तो मेरे को है कि यार क्या क्या सीन्स होंगे, मतलब सिनेमेटोग्राफी कैसी होगी. आई एम वेरी एक्साइटेड. ट्रेलर बहुत सुंदर लगा मेरे को, तभी मैं आया भी कि मतलब मेरे को, मतलब आई हैड अ शो टुडे बट आई मैनेज इट समहाउ कि भाई मेरे को आना ही आना. किस एनिमल के साथ काम करना चाहोगे? यार आई गेस पांडा के साथ. मतलब मेरे को हाँ पांडाज अच्छे लगते हैं, क्यूट से लगते हैं थोड़े ऐसे, या फिर मतलब वो पोलर बियर टाइप्स होते हैं ना, उनके साथ मैं काम करना चाहूँगा. अच्छा क्या कुछ है पाइपलाइन में? सो आई एम डूइंग माय इंडिया टूर एंड आई एम पुटिंग अप शोज इन डिफरेंट सिटीज, मतलब 20-25 सिटीज़ में आई एम डूइंग माई कॉमेडी टूर. सो मतलब बस वही सिटी में जाना एंड देन इंटरनेशनल टूर स्टार्ट हो गया साथ साथ, सो आई एम गेटिंग अपॉर्चुनिटीज टू डू शोज इन डिफरेंट कंट्रीज. वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी. लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, मतलब आई गेट टू ट्रैवल अ लॉट, और मतलब जिस भी शहर में जा रहा हूँ मतलब पीपल वो रिकग्नाइज वाला होता ना कि यार आप तो वो हो, तो वो वाली चीज़ें होने लगी हैं. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट पीपल रिमेंबर माई वर्क. सो उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती एक मतलब लेखक के लिए या एक परफॉर्मर के लिए, कि पीपल नो योर वर्क, पीपल रिमेंबर कि अच्छा हाँ इसने ये शेर बोला था या फिर ये चीज़ पढ़ी थी. सो वो बहुत ब्यूटीफुल इमोशन है व्हेन पीपल कम टू माय शोज़ एंड दे रिमेंबर कि अरे यार आपका एक शेर था कि जहाँ मैं एक दिन अव्वल बनूंगा, मगर तुम आज छोड़ो कल बनूंगा. सो दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग. भाई फैंस को मैं कहना चाहूँगा थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग एंड कीप अप द गुड, मतलब गुड वर्क तो मैं अपने आप को बोलूँगा, बट कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच, लव यू.